पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किसान आंदोलन में किसान महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे और यहाँ पे पहलवानों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इस देश में सुरक्षित कौन है? और महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार करके धक्का मारा इन बेशर्मों ने। इनके समर्थन में भारत बंद को करवाना भारत बंद हो, इनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाए, इनके समर्थन में गाँव से भर भर के ट्रैक्टर आए, इनके समर्थन में बेटियाँ आए। देखिए, विनेश फोगाट जाट समाज से आती है, बजरंग पुनिया जाट समाज से आते हैं और मैं पूनम पंडित ब्राह्मण समाज से आती हूँ और आप दलित समाज से आते हैं। आपका समर्थन यहाँ आकर के पत्रकारिता को निभा करके ही इस किसान आंदोलन का समर्थन है। मिनिस्ट्री मीडिया तो देश के किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बतावे थी, पाकिस्तानी बतावे थी, यहाँ भी ये छोटे मोटे छुर्रे पुर्रे से छोड़े जाएंगे। घबराना मत, हिलना मत। मैं यही कहूंगी कि शर्मसार है बहुत ज्यादा कि देश की बेटी, देश का इज्जत सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों के साथ इस तरीके की जो घटना हुई है, ये देखने के लिए हम लोग जिंदा है, ये मैं कहूंगी। आप सभी लोगों ने वो मंजर देख लिया होगा रात का, मुझे ज्यादा बार बार बयां करने की भी जरूरत नहीं है। और हमारे फिर भी हमारे गृह मंत्री चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं और वो कहते हैं कि ब्रजभूषण की जब ये लोग कहेंगे मैं तब इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वो लोग नहीं कहते हैं। इसका मतलब कहीं प्रधानमंत्री जी भी, जो मुझे डाउट है, कहीं प्रधानमंत्री ब्रजभूषण से डरते तो नहीं है? कहीं गृह मंत्री ब्रजभूषण इतने बड़े नेता, ऐसे ही लग रहा है हमें। नेता नहीं बाहुबली आप कह सकते हैं। बाहुबली शायद ज्यादा बड़े हो क्योंकि मैंने उनका मेन्यू कार्ड भी देखा है, मुकदमों का सब चीजें भी मैंने देखी है। कहा जाता पूर्वांचल में बड़ा सम्मान होता है उनका। देखिए, जिस व्यक्ति ने बेटियों के सम्मान न करे वो आप उसको क्या सम्मान दोगे? जिस बेटी ने बेटियों के सम्मान का ध्यान में नहीं रखा, चलो शिकायतें थी, बेटियों की शिकायतें थी तुमसे, तो तुम आते यहाँ पर तुम आते और इन बेटियों से बोलते कि हाँ बताओ भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। आना चाहिए था ब्रजभूषण को भाई, ब्रजभूषण जो है उनके परिवार के लोग हुए नहीं है, जब वो WFI के अध्यक्ष हैं और ये उनके परिवार के लोग हैं तो आना चाहिए था इन बेटियों के बीच में। जब पहले दिन से ये बात हुई थी, ब्रजभूषण को मिलना चाहिए था, जो गलती सलती थी माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी? तो वो तो कह रहे ना, अगर मैं आरोपी हूं तो मैं फांसी चढ़ा दूं। जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों में एक धारा ऐसी है कि जब सबसे पहले अरेस्टिंग है उसमें पास को और आपको सबको पता है कि सबसे पहले अरेस्टिंग है, लेकिन ब्रजभूषण की अरेस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? पहले जांच होगी, पहले अरेस्टिंग होती है पास्को में, जांच बाद में होवे। पुलिस कहेगी, पुलिस बताएगी, कानून बताएगा, संविधान बताएगा ना कि पास्को में क्या होता क्या नहीं होता। अब पुलिस उनकी प्रवक्ता बन गई, अब पुलिस बताने लगी, जितने जज है उन्हें छुट्टी पे भेजोगे। आपकी पहलवानों से बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति हुई रात? स्थिति ये हुई, वो लोग सोने के लिए, ये बारिश में पानी बहुत ज्यादा हो गया था, नीचे गद्दे वद्दे उनके भीग गए, तो फिर जो ये तखत होते हैं लकड़ी के फोल्डिंग, उनको जो है मंगवाया गया, तो उनको लाने के लिए इन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं कि परमिशन ना। अरे बेटियों को इस देश में सोने के लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकारों से लेनी पड़ेगी क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ इन लोगों से। अब वो जो है बेटियां हमारी सोने के लिए, वो बहनें जो है तखत ला रही, तो उस पर इन्होंने सिर फाड़े भाइयों के और महिला पहलवान के सीने पर हाथ मार करके धक्का मारा इन बेशर्मों ने। इन्हें दिखा नहीं? अरे जिस आदमी ने धक्का मारा मैं दुर्लालत भेजूं उस पे, बेशर्म पे, कि वो बेटी के कोख से जन्म नहीं लेकर आया, वो कौन सा ईमेल सा डाउनलोड कर लिया? कल ये पहलवान आरोप लगा रही थी कि एक पुलिसकर्मी शराब पीकर उनके साथ बदतमीजी। वही वाक्य मैं आपको बता रही हूँ कि बेटी रो रही है, आंसू बंद नहीं है उसके, और वो बता रही है जो महिला पहलवान अपने देश के लिए मेडल लाती हो सम्मान बढ़ाने के लिए, क्या वो बेटी झूठ बोलेगी? ऐसी इस देश में कौन सी बेटी है जो ये कहती हो कि मेरी इज्जत को खराब किया? कोई बेटी है अपनी बदनामी करना चाहेगी? है कोई इस भारत में? भारत की संस्कृति कितनी सभ्य है? है कोई बेटी? और वो देश का मान सम्मान रखने वाली बेटी, वो कहेगी क्या ऐसे गलत बात? साक्षी जोशी महिला पत्रकार है, उनके भी कपड़े फाड़े गए और उसके बाद उनको 20 सड़क पर छोड़ दिया गया और नीचे लगभग उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। साक्षी जोशी वो बेटी है जिसने हमेशा से बहन ने हमारी ने निष्पक्ष पत्रकारिता को अपने धर्म को निभाया है। अब पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, किसान आंदोलन में किसान महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे और यहाँ पे पहलवानों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। इस देश में सुरक्षित कौन है यू बताओ हमें? जो बाहुबली है, गुंडे है, दबंगे, वे सुरक्षित है क्या इस देश में?
क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा पहलवानों? न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी संगठन है सब लोगों से हमारी बात हो रही है और इस जंतर मंतर से धरने को दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुँचाने का काम हम जैसे लोग करेंगे। और आप मीडिया वालों से निवेदन करते हैं, जिस तरीके से आपने किसान आंदोलन की रूपरेखा को बना करके और दिखा करके रखा था, आप लोग उसको बनाए और इसमें खिलाड़ियों का समर्थन करें, बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। 10 दिन से ज्यादा हो गया, अभी कोई कदम नहीं उठाया गया। कोई बात नहीं, किसान आंदोलन 13 महीने रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन ये छोटे मोटी छुर्री पुरी सी छोड़ी जाएगा उल्टी सी। भी कुछ किसानों को सफलता मिली नहीं खास कर देखिए, कुछ बिल रद्द जो हुए थे वो हो गए थे, लेकिन कुछ किसान नेताओं ने हमारे साथ छल किया था, आंदोलन को उठवा दिया था, स्थगित करवा दिया था, इसलिए आंदोलनकारी चले गए थे, वरना MSP भी लेकर के जाते, ये आपको बेहतर पता है। 2022 का चुनाव था, कुछ नेताओं ने साठ गांठ करके बॉर्डरों से आंदोलन हटा दिया। लेकिन मैं इन महिला पहलवानों से और भाइयों से कहना चाहूंगी कि इनके खुद के फैसले होने चाहिए, किसी किसान नेता के चक्कर में ना आवें, किसी बड़े नेता पार्टी वाले के चक्कर में ना आवें, फैसले इनके होंवे और फिर ये आदेश देवे किसान नेताओं को, किसान जनता को, पब्लिक को, विपक्ष को कि हम ये चाहते हैं। ये किसी को हावी ना होने देवे। हमने तो देखा किसान आंदोलन कैसे लोगों ने साठ गांठ कर ली, कैसे लोगों की एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई, लखीमपुर कांड में हमने सब देखा। पूनम जी, जैसे यहाँ राजनेता आ रहे हैं, कुछ आपको नहीं लग रहा ये हाईजैक करने के चक्कर में? जी बिल्कुल नहीं। अगर विपक्ष, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँ, जो सरकार अपनी बातें बोलती है वही आप बोलते हो, विपक्ष का क्या काम है इस देश में? मीडिया क्या काम है विपक्ष का? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है जब कोई जनता, कोई पब्लिक सरकार से परेशान हो, ईमानदारी से विपक्ष उनको समर्थन करे, ये विपक्ष का कर्तव्य बनता है। और ये लोग कर्तव्य को भूल जाते हैं तो आप लोग याद दिलाते हो, पत्रकारों का ये कर्तव्य बनता है। आज विपक्ष आ रहा है तो आप जैसे लोग भी इस बात को कह रहे हो कि सरकार ये कह रही है वो कह रही है। नहीं, क्या विपक्ष ईमानदारी से निभा पाएगा वो? हाँ बिल्कुल निभा पाएगा, मैं बिल्कुल कहती हूँ दावे के साथ में। जो भी देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, निर्णय इन पहलवानों का होना चाहिए, इनका ही, क्योंकि भुना ना ले कोई इनके आंदोलन को, कोई इनके स्वाभिमान को। जैसे किसान आंदोलन में किसान कुछ नेताओं ने आंदोलन को स्थगित करवा दिया था, साठ गांठ कर ली थी सरकार से, ठीक, इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए इनके फैसले अपने खुद के फैसले होने चाहिए। और विपक्ष का काम है इनके समर्थन में खड़े रहना, इनके समर्थन में भारत बंद को करवाना, भारत बंद हो, इनके समर्थन में दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाए, इनके समर्थन में गाँव से भर भर के ट्रैक्टर आए, इनके समर्थन में बेटियाँ आए, सब कुछ होना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, हजार लड़कियों के लड़कियों का शोषण करने का आरोप है। आप पूछो ना प्रधानमंत्री जी से कि लाल किले से आप भाषण देते हो, बेटियों के भाषण, मेरी माता हो बहनों, ये कहकर के स्टार्ट करते हो। और आज माताएं बहनें दिल्ली का स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान बढ़ाने वाली यहाँ बॉर्डर पे बैठी हैं। इनके आपकी पुलिस डंडे बजा रही है, गृह मंत्री की पुलिस लठ बजा रही है, बेटियों के साथ बदसलूकी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि एक ही परिवार आंदोलन कर रहा है। किसने कहा एक परिवार कर रहा है बताइए? देखिए, विनेश फोगाट जाट समाज से आती हैं, बजरंग पुनिया जाट समाज से आते हैं, और मैं पूनम पंडित ब्राह्मण समाज से आती हूँ, और आप दलित समाज से आते हैं। आपका समर्थन यहाँ आकर के पत्रकारिता को निभा करके ही इस किसान आंदोलन का समर्थन है। और दूसरी बात, अभी हाथ खड़े करवाए गए थे कि भैया इनमें हरियाणा के कौन से उठा दिया हाथ, यूपी के कौन से बहुत सारे हाथ उठे थे, यहाँ तक मध्य प्रदेश के लोगों के हाथ उठे, केरल कितना दूर है वो, उनके हाथ उठे हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान सबके हाथ उठवाए थे। अभी थोड़ी देर पहले आप शायद वीडियो नहीं देखी होगी, तो ये किसान आंदोलन को भी इन्होंने कहा था कि जाटों का आंदोलन है, लेकिन वो जन आंदोलन था, देश के अन्नदाता का आंदोलन था। हमारी तो आंदोलन दो तरीके की लड़ाई थी, एक पुलिस से लड़ाई थी और एक चंगू मंगू किसान नेताओं से लड़ाई थी। हमने उस लड़ाई को जीता क्योंकि हमने किसान आंदोलन को समर्थन करा था, किसी एक जात, एक बरादरी, एक धर्म को नहीं किया था। और ये भी देश की बेटियों का, इस देश में सिर्फ जाटों में ही बेटियां नहीं, इस देश में पूरे समाज की बेटियां हैं, ये सिर्फ जाटों की बेटियां नहीं है, देश की बेटियां हैं। जब ये मेडल लेकर के आई तो मैंने भी पोस्ट किया था, मैंने भी साक्षी मलिक को धन्यवाद किया, स्वागत किया, शुभकामनाएं दी मैंने भी, इसी हैसियत से खिलाड़ी समाज से आती हूँ, परिवार से आती हूँ, इंटरनेशनल शूटर रही हूँ, इस हैसियत से उनको यहाँ सपोर्ट करना। साक्षी मलिक का आपने नाम लिया, उनका फोटो वायरल किया जा रहा है, देखिए किस चीज का वायरल, जो ब्रज भूषण उसकी कमर में हाथ डाले हुए हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? जिस आदमी की मानसिकता इतनी गंदी, इतनी खराब हो, साक्षी मलिक ओलंपिक में मेडल लेकर आई है, ध्यान रखना इस बात को, एक बेटी कभी अपने आप को ये नहीं चाहेगी मेरी बदनामी हो, क्योंकि ओलंपिक में मेडल लाने का मतलब है पूरे वर्ल्ड की निगाहें उस बेटी पर टिकना। तो क्या आप लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये ब्रजभूषण का काम है, वो क्या करता है पूनम जी, तो अगर उसकी मानसिकता एक बेटी की होती और तो वो बेटी भी उसको बाप की हैसियत से देखती। पूनम जी, एक इंटरव्यू में ब्रजभूषण खुद कह रहे हैं कि हम एक छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची को जब हग करते हैं तब वो असहज महसूस करती है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि उनके बिना पिताजी से पूछे हुए वो हग करते हैं? ये अपनी किसी की बेटी को आप कैसे छू सकते हैं, कैसे हग कर सकते हैं?
नाबालिग बेटी को आप कैसे, और दूसरी बेटी की परमिशन होनी चाहिए जो बालिग बेटी है कि आप उन्हें हक करोगे या नहीं, छूओगे कि नहीं, ये परमिशन होनी चाहिए। ब्रजभूषण को किसने अधिकार दिया भैया? ब्रजभूषण को ये अधिकार मिला, पास्को एक्ट लगा, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करे, यहाँ इन बेटियों पर डंडे ना बजावे, ठीक है? एक नहीं हजार आरोप है कि एक इंटरव्यू में तो ये कह रहा कि मैंने तो इस आदमी को मारा है। एक हत्या हुई है खुलेआम ये बोलता है मंच पे, और कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं एक इशारा करूंगा जंतर मंतर भर जाएगा। ध्यान रखना, देश की इज्जत बचाने के लिए जितने भी देश के पुरुष समाज है वो इस हिंदुस्तान की सड़कों को भर देगा, ये ध्यान रखना, इस बात को मत भूलना ब्रजभूषण। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट वर्सेस राजपूत चल रहा है पूरा मामला है। कैसे भैया? यहाँ तो राजपूत भी आए, ठाकुर भी आए, समर्थन मिनिस्ट्री मीडिया तो देश के किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बतावे थी, पाकिस्तानी बतावे थी, यहाँ भी ये छोटे मोटे छुर्रे पुर्रे से छोड़े जाएंगे। घबराना मत, हिलना मत, देश में इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो कैंप लगेगा वो हम लोगों के संगठन का, हम लोगों के किसानों का लगेगा। इस देश में दिल्ली के जितने भी बॉर्डर है वो सभी घेरे जाएंगे, हर बॉर्डर पर आंदोलन होगा अगर इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने हाथरस की लड़ाई लड़ी, उनके अपराधियों को छोड़ दिया गया, तो फिर क्या फायदा है? देखो, हमें हमारा काम है लड़ाई लड़ना। हम आज भी हाथरस की बेटी की 50 इंटरव्यू करते हैं, उनमें बात उठाते हैं, उन्नाव वाली बेटी की, और वो 13 साल की बेटी जिसका बलात्कार हो गया और अब बच्चा पैदा हुआ है उसकी भी, हम पता है आप लोगों को है ना, बच्चा पैदा हुआ उसको, हम उसकी आज भी आवाज़ उठाते हैं। हमारा काम है इस देश में कि हम इस लोकतंत्र देश में है और देश के हित में है, देश की जनता के हित में, तो लड़ाई लंबी अगर हो जाती है तो उसको लड़ना ना छोड़े, लड़ते रहे। अपराधियों को सरकारें अपने अपने हिसाब से कानून बदल कर छोड़ रही हैं जेलों, क्यों छोड़ रही हैं? आप इसी चीज को चलाओ ना, देश का मीडिया नहीं चलाएगा। आप हैशटैग करके चलाओ, खूब ज्यादा चलाओ, और देश में जितने भी मोबाइल रखते हैं सभी चलाइए, क्योंकि पत्रकारिता जो है दंडवत हो गई है। आप लोगों से हम लोग इत्तेफाक रखते हैं यूट्यूब वालों से, देश का मिनिस्ट्री मीडिया तो दंडवत प्रणाम कर रहा है गृह मंत्री प्रधानमंत्री को। आपकी सरकार चल रही है गठबंधन से, वहाँ भी किस लोगों को छोड़ोगे? 22 लोगों को देखिए, कानून बदल कर, सुनिए, कानून बदल कर जिन लोगों को छोड़ा जाता है वो गलत है। अगर कानून पहले से इस चीज का वो हो रहा हो तो मैं उसको गलत नहीं कहूंगी, लेकिन बदल कर जो किया जा रहा है वो गलत है, चाहे वो किसी का भी फैसला हो। आनंद मोहन राजपूत समाज से आते हैं, राजपूतों के वोट में सेंधमारी करने के लिए महागठबंधन सरकार ने उनको रिहा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी जब ये काम करती है तब लोकतंत्र की हत्या है, और आप महागठबंधन करो तो लोकतंत्र की हत्या। सुनिए मेरी बात, मैंने अभी क्या बोला, जो गलत है तो गलत है, चाहे कहीं भी कोई सरकार हो, जो गलत है, अगर हेर फेर करके बिल्किस बानो के कैदियों को छोड़ा जाता है वो भी गलत है, अगर इस तरी इधर किसी के बलात्कारियों को या किसी उसको छोड़ा जाता है तो हत्यारों को, वो भी गलत है, गलत तो गलत है जो बिहार में हुआ, गलत जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री क्यों ना, प्रधानमंत्री डर रहे हैं क्या ब्रजभूषण को, या गृह मंत्री डर रहे हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रही, अगर वे डर रहे हैं तो बता, मैं डर रहे हैं इसका मतलब क्या ब्रजभूषण इतना बड़ा वो होगा? पर कोई बयान नहीं आ रहा लगता, वही 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 तो पूछ रही हूँ, क्या डर रहे हैं प्रधानमंत्री, डर रहे हैं क्या? या फिर ये कुछ बोल दे तो इसका असर कर्नाटक चुनाव में ना पड़ जाए। कर्नाटक चुनाव में क्यों नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए और पड़ेगा। लिख लो आप, लिख लो भाजपा वहाँ नहीं आएगी, लिख लो उन्होंने वहाँ जाकर फिर से माहौल खराब किया, देश की बेटी दिल्ली बॉर्डर पर बैठी, देश के प्रधानमंत्री वहाँ रैले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अब दंगे नहीं होंगे। दंगे ही ये करवावे थे जब सरकार इन्होंने बनाई, दंगे करवा के, लड़ाई झगड़े करवा के दंगे कौन करवावे था? जब सरकारें दूसरी होती थी दंगे कौन करवाता, यही करवावे थे, ठलवे आदमी ठाली फिरे ये दंगे ही करे थे, और क्या करे थे? सबका रिकॉर्ड निकालो ना, कितने लोगों पर मुकदमे हैं इनके, जितने जहां जहां देश में दंगे हुए हैं निकलवाओ, कोई इनका कौन सी शाखा का लिखेगा, कोई इनके कौन सी संघ का लिखेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।